नमस्कार। एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ये हमारी पुरातन परंपराओं से भी प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग भी है। भारत का क्लियर विजन है कि सस्टेनेबल ग्रोथ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज से ही संभव है। ग्लासगो में हमने 2070 तक नेट जीरो के स्तर तक पहुंचने का वायदा किया है। मैंने COP26 में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए भी लाइफ मिशन की बात कही थी, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन सामने रखा था। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल कोलैबोरेशन को नेतृत्व भी दे रहे हैं। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी में हमारा टारगेट अपने लिए 500 गीगावाट है। 2030 तक अपनी इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी का 50% हमें नॉन फॉसिल एनर्जी से हासिल करना है। भारत ने अपने लिए जो भी टारगेट सेट किए हैं उसे मैं चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। इसी विजन पर भारत बीते वर्षों से चल रहा है और इस बजट में इनको पॉलिसी लेवल पर और आगे बढ़ाया गया है। फ्रेंड्स, इस बजट में सोलर एनर्जी की दिशा में हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 19,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसे सोलर मॉड्यूल्स और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और R&D में भारत को ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी। साथियों, हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी पावर के रूप में एक इनहेरेंट एडवांटेज है। इससे भारत विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम फर्टिलाइजर रिफाइनरीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इंटरकनेक्टेड है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राइवेट सेक्टर द्वारा इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भारत की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक बड़ा चैलेंज एनर्जी स्टोरेज को लेकर भी है। इसके लिए भी सॉल्यूशन तलाशने के लिए बजट में स्टोरेज कैपेसिटी में ग्रोथ को बनाए रखने वाली बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। इस वर्ष के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटर ऑपरेटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होगी। प्लग इन चार्जिंग में ज्यादा समय और ज्यादा कीमत लगती है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में 40-50% बैटरी की कीमत होती है। इसलिए स्वैपिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे ही चाहे मोबाइल की बैटरी हो या फिर सोलर पावर स्टोरेज, इस क्षेत्र में भी बहुत सी संभावनाएं हैं। इन पर भी मैं समझता हूं हम सब मिलकर के काम कर सकते हैं। साथियों, सस्टेनेबिलिटी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन के साथ ही एनर्जी सेविंग भी उतनी ही आवश्यक है। हमारे देश में और आधुनिक एनर्जी एफिशिएंट AC कैसे बने, अधिक एनर्जी एफिशिएंट हीटर गीजर
अवन जैसे कैसे बने, इस बारे में बहुत कुछ करने की आवश्यकता मुझे लगती है। जहां भी बिजली की खपत ज्यादा है वहां एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, इसका निर्माण हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो देश में एलईडी बल्ब की कीमत 300-400 रुपये हुआ करती थी। हमारी सरकार ने एलईडी बल्ब का प्रोडक्शन बढ़ाया और प्रोडक्शन बढ़ने का स्वाभाविक था कि उसकी कीमतों में 70-80 रुपये तक नीचे आई। उजाला योजना के तहत हमने देश में करीब करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। इससे लगभग 48,000 मिलियन किलोवाट आवर बिजली बची है। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग का सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल भी बचा है और प्रति वर्ष करीब 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। हमने जो परंपरागत राष्ट्रीय हमारे जहां स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उसमें भी 1.25 करोड़ स्मार्ट एलईडी बल्बों में बदला है। उससे भी हमारी जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका महानगर पालिका जहां पंचायतों में इस प्रकार के स्ट्रीट लाइट हैं, अब तक जितना काम हुआ है उसमें साल का 6,000 करोड़ रुपया बिजली के बिल में बचत हुई है इन नगर पालिकाओं को। इससे भी बिजली बची है और करीब 25 लाख टन कार्बन एमिशन भी कम हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस एक योजना ने पर्यावरण की कितनी बड़ी रक्षा की है। साथियों, कोल गैसिफिकेशन कोयले का एक विकल्प के रूप में हम सोच सकते हैं। इस साल के बजट में कोल गैसिफिकेशन के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं जिसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल वायबिलिटी प्राप्त करने को बल मिलेगा और इसमें इनोवेशंस की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग कोल गैसिफिकेशन को भारत की आवश्यकता के अनुसार इनोवेशन के साथ कैसे आ सकते हैं, हमने प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही आप देखते हैं एक बड़े मिशन मोड में इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इस बजट में अनब्लेंडेड फ्यूल पर एक्स्ट्रा डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी का प्रोविजन किया गया है। हमें अपनी शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को और अधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसमें भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आवश्यक है। इसके लिए हमें ऐसे डिस्टिलिंग प्रोसेसेस पर काम करना होगा जिनसे पोटाश और कंपोस्ट बायोगैस जैसे बाय प्रोडक्ट्स भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हो। कुछ सप्ताह पहले मैंने वाराणसी में और अभी कुछ दिन पहले वो इंदौर में भी गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया है। क्या अगले 2 साल में देश के 500,000 ऐसे गोवर्धन प्लांट प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं? इंडस्ट्री को इसी तरह इन पॉसिबिलिटीज को यूटिलाइज करने के लिए इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट्स के करने के लिए जरूरत मुझे लगती है। फ्रेंड्स, हमारी एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ने वाली है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ट्रांजिशन भारत के लिए और भी अहम है। एक अनुमान है कि भारत में 24-25 घर है, हम क्लीन कुकिंग उसको कैसे आगे बढ़े। मैं समझता हूं हमारे स्टार्टअप के लोग भी इस काम को बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए सोलर चूल्हे के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा मार्केट है जो क्लीन कुकिंग मूवमेंट के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा गुजरात में एक सफल प्रयोग हुआ था, पानी के जो कैनाल्स है, नहर है, उस पर हमने सोलर पैनल लगाई। जमीन का खर्चा बच गया, पानी की बचत हो गई, बिजली भी उत्पादन हुई, यानी मल्टीपल बेनिफिट हुए। ऐसे ही प्रयोग अब देश में अन्य जगहों पर नदियों में, झीलों में भी किया जा रहा है। हमें इसको भी और ज्यादा बढ़ाना चाहिए।
एक और काम घरों में किया जा सकता है। घर में जहां बाग बगीचा होता है या फिर बालकनी होती है, क्या हम जो गार्डनिंग का कंसेप्ट है उसमें एक सोलर ट्री, हर परिवार का अपना एक सोलर ट्री हो, वैसा एक नया कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं जो घर की 10-15% 20% भी बिजली में वो सोलर ट्री मदद कर सकती है और घर की पहचान भी बन जाएगी कि भई ये सोलर ट्री वाला घर है, यानी ये एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक नागरिकों का घर है। एक समाज में विशेष क्रेडिबल सोसाइटी के रूप में हम डेवलप हो सकते हैं और इसको बड़ा इजीली और बड़ा ब्यूटीफुल भी बनाया जा सकता है। तो सोलर ट्री के कंसेप्ट को मैं तो, हमारे जो कंस्ट्रक्शन और की दुनिया के लोग हैं, बिल्डर लोग हैं और आर्किटेक्चर हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि घर के कंस्ट्रक्शन में एक नया तरीका हम ढूंढ सकते हैं क्या। हमारे देश में माइक्रो हाइड्रल प्रोडक्ट्स भी उसके बहुत बहुतायत में मिलते हैं। उत्तराखंड हो, हिमाचल में हम देखते हैं कि घराट नाम की पंचक्की बहुत होती है। माइक्रो हाइड्रल प्रोजेक्ट्स पर और रिसर्च करके हम इनके इस्तेमाल से भी बिजली उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी काम किया जाना चाहिए। दुनिया में हर प्रकार की प्राकृतिक संपदा की, नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती जा रही है। ऐसे में सर्कुलर इकोनॉमी समय की मांग है और ये जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। हमारे लिए हर क्षेत्र में इनोवेशन बहुत जरूरी है, नए प्रोडक्ट्स जरूरी हैं और मैं देश के प्राइवेट सेक्टर को भरोसा देता हूं कि सरकार आपके प्रयासों में आपके साथ खड़ी है। हम एकजुट प्रयासों में इस दिशा में न केवल अपने लक्ष्य हासिल करेंगे बल्कि पूरी मानवता की भी का भी पथ प्रदर्शन करेंगे। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आमतौर पर बजट बनने से पहले बहुत चर्चाएं होती हैं, हमारे टीवी चैनल्स वगैरह सब उसमें काफी बिजी होते हैं, एक अच्छा मंथन होता है और उसका बजट को भी थोड़ा लाभ होता है, बजट बनाने में कोई अच्छे अच्छे आइडिया मिलते हैं। लेकिन अब हमने फोकस किया है, चलो बजट बन गया, अब बजट में कोई परिवर्तन होना नहीं है, पार्लियामेंट की वो अमानत होती है, पार्लियामेंट तय करती है। हमारे पास 2 महीने का समय होता है बजट इंप्लीमेंट करने के लिए 1 अप्रैल से। इस 2 महीने का उपयोग हम इंप्लीमेंटेशन के रोड मैप पर बल कैसे दें और योजना अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे हम लागू करें, बजट का अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग कैसे करें, सरकार की सोचने का तरीका और फील्ड में काम करने वाले व्यापार जगत के तरीके में काफी अंतर होता है। इस सेमिनार से उस अंतर को पाटने का प्रयास है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी थिंकिंग प्रोसेस और सरकार में जो निर्णय करते हैं उनकी थिंकिंग प्रोसेस, उसमें अंतर विरोध नहीं होना चाहिए, उसमें फासला भी नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो चीजें बहुत जल्दी लागू होती है। कभी कभार एक आध वाक्य ऐसा आ जाता है फाइल में कि फिर उसको करेक्ट करने में 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं, बजट का टाइम ही पूरा हो जाता है। हम इन गलतियों से बचना चाहते हैं और इसलिए ये जो हम वेबिनार कर रहे हैं उसमें हम सरकार की तरफ से आपको ज्ञान परोसने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बजट क्या है वो समझाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा समझ आप समझ चुके हैं। हम आपको सुनने के लिए वेबिनार करते हैं और सुनने में भी बजट के लिए सुझाव नहीं, जो बजट बन चुका है उसको इस क्षेत्र में हम लागू कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी लागू कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी ऐसी कोई व्यूहरचना न बन जाए जो बिना कारण समय खराब कर दे। और इसलिए तेज गति लाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और सजेशन के साथ इस वेबिनार को सफल बनाएं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।